कुछ साल पहले चर्चाओं में आया था पनामा लीक्स। पनामा लीक्स में इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम थे, बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, लेकिन पनामा लीक्स किसी फाइलों के नीचे दब के रह गया और पनामा लीक्स में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी जेल नहीं गया और लोग वक्त के साथ पनामा लीक्स को भूल भी गए। ये वही पनामा लीक्स था जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम था और उन पनामा लीक्स में नाम आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने नवाज शरीफ को नकार दिया। लेकिन हमारे देश में किसी नेता को नहीं नकारा गया, किसी सेलिब्रिटी को नहीं नकारा गया। यूँ मान के चलिए कि काले धन से टैक्स बचाने के लिए जिन भी सेलिब्रिटीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ था उनको लोगों ने शाबाशी और दी, क्योंकि किसी पर कुछ भी कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई थी। अब इसी तरह एक पंडोरा पेपर लीक निकल के आया है। पंडोरा पेपर लीक भी पनामा लीक के जैसा ही है। पनामा लीक में भी बताया गया था कि कैसे दुनिया के पावरफुल लोग अपने देशों के सुपर रिच लोग ऐसी एंटिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया में जिन पर टैक्स रेगुलेशन नहीं होता, मतलब जहां पैसे उनको कमाने पर टैक्स नहीं देना पड़ता और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी होती है, कम से कम टैक्स होता है, सुपर रिच ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब पंडोरा पेपर का नाम इसलिए चर्चाओं में है कि खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर चुके अनिल अंबानी का नाम है इसमें। कहा जा रहा है अनिल अंबानी के पास दुनिया भर में 13 एसेट ऐसे हैं जिन पर उन्हें ना के बराबर टैक्स देना पड़ता है और कमाई खूब होती है। और तो और लोग हैरानी में पड़ गए जब इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी आ गया है। जाहिर सी बात है, सचिन तेंदुलकर इंडिया के सुपर रिच हैं, पूरी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं और अगर पूरी दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में बात करें तो भी टॉप 100 में आते हैं। सचिन तेंदुलकर उन क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने क्रिकेट तो छोड़ दिया, क्रिकेट खेलना, लेकिन उनकी इनकम कम नहीं हुई है, उनकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतनी है, आज भी उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट इतने हैं कि उनकी इनकम में कोई कमी नहीं है। तो इस लीक में उनका भी नाम है। हालांकि सचिन तेंदुलकर इस पे कुछ बोलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 2-3 दिनों से मुंबई के सुपर रिच सेलिब्रिटीज़ का वक्त अच्छा नहीं रहा। पहले तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ लिया और अब सचिन तेंदुलकर एक तरफ बॉलीवुड के किंग थे जिनका वक्त अच्छा नहीं रहा और अब क्रिकेट के किंग हैं जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, उनका नाम आज पंडोरा पेपर में आ गया। हालांकि अभी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, जैसे ही ज़्यादा जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।